हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एडुकेशन हब। तो आज भी हम पीरियडिक टेबल क्लासिफिकेशन जो हमने कल शुरू किया था लेक्चर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें थोड़ी सी चीज़ें आगे पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक प्रिंसिपल ऑफ बॉब प्रिंसिपल। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से सुना है, उससे भी पहले हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पे हमने कुछ शेल्स के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था के, एल, एम और एन, ठीक है। हुआ क्या था, जब हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा था जिसका एटॉमिक नंबर 20 था, तो वहाँ पे एग्जांपल अगर आपको ध्यान में हो तो उसकी हमने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो वो बनी थी 2, 8, 10, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 20 है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2, 8, 10 जो एम वाली शेल थी उसको आगे शिफ्ट करने पड़े थे 2, ताकि आर्गन की ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो ये जो चीज़ थी कि बार बार आप इलेक्ट्रॉन्स को आगे जो है पास करवा रहे हो, तो उससे कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी चीज़ें। तो हमने क्या किया, जितने भी पीरियड्स हैं उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ले लिए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। 7 ही पीरियड्स पढ़े ना हमने, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने ले ली। अब हमने इनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू 1s, 2s, 2p। इनको लिखते कैसे हैं, तो ये ऐसे होते हैं एनर्जी लेवल्स इस तरह से, ठीक है। मतलब 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा, 2s के बाद आएगा आपका 2p, 2p के बाद आएगा आपका 3s और फिर आएगा आपका 3p, फिर 4s, क्या आएगा 3p, फिर 4s, फिर आता है आपका 3d, 3d से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो फिर आएगा आपका 4p, 4p से थोड़ा और नीचे जाओगे तो आपका आएगा 5s, फिर और इसको अरेंज करोगे तो पहले 4d आएगा, फिर 5p आएगा, फिर 6s आएगा, फिर 4f आएगा, 5d आएगा और आपका 6p आएगा, 6p के बाद आपका 7p एंड 7s एंड देन फाइनली 7p। और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। अगर अब आप कैल्शियम के 20 को अटेन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, 1s2, 2s2 और 2p6, तो कितने हो गए यहाँ पे, 6, 2, 8, 2, 10। अब उसके बाद 3s में कितने आएंगे, दोबारा से 2 आ जाएंगे, तो कितने हैं अभी तक 12 हो चुके हैं। 3p में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 2 बचे हैं वो किस में आ जाएंगे, 4s के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है ऑफ वॉब प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पर हमने बात करी थी मेंडलीव की, तो मेंडलीव ने तो किसके बेसिस पे करा था इन एलिमेंट्स को अरेंज, इन्होंने करा था एटॉमिक मास के ऊपर। और ये जो चीज़ें हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर, इसमें देखा हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके जो फाउंडर हैं उनको जो क्रेडिट दिया जाता है वो आपके हेनरी मोजले हैं। इनके हिसाब से जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पीरियडिक फंक्शन जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होते हैं। और आज जब आप पीरियडिक टेबल पढ़ते हो तो किसके बेसिस पे पढ़ते हो, ऑब्वियसली इन एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, चाहे ग्रुप या पीरियड्स आप जिस मर्जी तरफ देखो, वो रेगुलर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। 18 वर्टिकल कॉलम जो है उनको ग्रुप्स बोल दिया, और जो हॉरिजॉन्टल वाले थे उनको पीरियड्स बोल दिया। जो फर्स्ट पीरियड है वो शॉर्टेस्ट है, और उसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 एलिमेंट्स आते हैं। कहाँ पे है तो ये देखो, फर्स्ट जो है आपको वो कहाँ पे दिखेगा, ये देखो, ये वाला जो पीरियड है यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको हम शॉर्टेस्ट जो है पीरियड बोल देते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है। और जो सब्सिक्वेंट पीरियड्स होते हैं उनमें 2, 8, 8, 18, 32 एलिमेंट्स, ऐसे जो है एडिशन होती चलती है। ये है आपका पीरियडिक टेबल, ठीक है, दीज आर योर पीरियडिक टेबल। जो ग्रुप 1 है आपका, या जिसको 1a भी बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कहाँ से शुरू होते हैं आपके, ये हाइड्रोजन के बाद देखा था ना, लीना की रूबीना वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम की रूबीना, रूबीडियम के साथ सीजियम और फ्रेंशियम, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाते हैं, किसके साथ, पानी के साथ। ग्रुप 2 वो जो बेरिलियम वाला हमने देखा, यहाँ पे देख लो दोबारा से, ये वाला जो ग्रुप है ना इसको बोला हमने क्या, एल्कली, इसको हमने एल्कली बोला। ये जो अग्गे वाला है इसको हमने क्या बोल दिया, एल्केलाइन बोल दिया। ये भी वाटर के साथ अच्छे एल्कली बनाते हैं, पर वीक होते हैं इफ़ कंपेयर टू द पहले वाले। ग्रुप 13, अब बोरोन पे आपको जाना पड़ेगा, ये वाला जो होता है आपका ये ग्रुप 13 होता है, ठीक है, ये वाला जो है आपका ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली, जो बोरोन है इसका फर्स्ट मेंबर है इसलिए नाम पड़ गया बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है तो कार्बन फैमिली नाम पड़ जाएगा। ग्रुप 15 का नाइट्रोजन फैमिली है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, कुछ मेटालॉइड्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप 16 या जिसको आप 6a भी लिख रहे हो, ऑक्सीजन फैमिली है, इनको चैल्कोजन्स भी बोलते हैं। जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजन्स। चैल्कोजन का मतलब होता है इनके अंदर टेंडेंसी है टू मेक ओर्स, और ओर्स में से आपको डिफरेंट टाइप की एलिमेंट्स मिल जाती हैं।
ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन, कहीं पे भी अगर वर्ड आए हेलो तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो ये सॉल्ट वाली फैमिली है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं। ग्रुप 18 को हम जीरो ग्रुप बोल देते हैं, और इसमें आती हैं आपकी नॉबल गैसेज या फिर इनर्ट वाली गैसेज, जो किसी के साथ रिएक्ट करना प्रेफर नहीं करती, काफ़ी स्टेबल आपको ये मिलेंगी, तो दैट इज़ द ग्रुप 18। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें पीरियड एंड ग्रुप्स के, तो हीलियम जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और फ्रेंशियम जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है। फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि बड़े ज़ोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, जबकि फ्रेंशियम जो है वो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि एटम की एबिलिटी होती है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अपनी तरफ जोर से खींच सकता है, ठीक है। इट हैज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड। हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। अब ये जो एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसके एटॉमिक नंबर से भी वेरी करती है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी डिसाइड करता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक एनर्जी आपको ध्यान में रखनी है जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी वी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखोगे तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट से आगे की तरफ को इंक्रीज करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर आपको यहाँ से इस तरफ को नीचे को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आप शेल में से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो कितनी एनर्जी उसको लगेगी ताकि आप ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि अगर न्यूट्रल गैशियस एटम के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बहुत जोर लगेगा, और उस एनर्जी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, टू फॉर्म द मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है उसको हम कैटायन बोल देते हैं, और जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एनायन बोल देते हैं। जो नॉबल गैसेज हैं उनकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन थैल्पी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी फुली प्लेस्ड है शेल्स के अंदर, तो उनको निकालने में ज़्यादा जोर लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल थे। जबकि नॉबल गैसेज जो होती है उनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब यहाँ पे देखो, ये जितने भी यहाँ पे येलोइश कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मेटल्स। ये पिंक से दिख रहे हैं आपको ये वाली कंडीशन, दीज आर द मेटलॉइड्स। ये ब्लूइश कलर के जो दिख रहे हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स। आपको स्पेसिफिकली नहीं याद करना कि कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है आपने कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, नॉन मेटल है, पर रखा कहाँ पे है इसको, मेटल्स की साइड में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है काफ़ी एनोनिमस सा बिहेवियर शो करता है। एनोनिमस बिहेवियर का मतलब है कि अपना जो इसके एक्ट्स होती हैं वो आपको मेटल की तरह भी मिल जाएंगी, कभी आपको मेटलॉइड की तरह मिल जाएंगी, कभी नॉन मेटल्स की तरह मिल जाएंगी। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी वेरी करती हैं। तो साइंटिस्ट जो थे वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी पे अड़ जाते थे आके कि कहाँ पे रखें हाइड्रोजन को। तो दैट्स वाई इट वॉज डिसाइडेड कि जो हाइड्रोजन है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, एटॉमिक नंबर वन, यानी कि पहले नंबर पे उसको रख देंगे। अब मेटल क्या होती है, मेटल के अंदर 75% सारी की सारी नोन एलिमेंट्स मिलेंगी आपको, और जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे आपको जनरली क्या मिलती हैं, मेटल्स मिलती हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो मेटल की डेंसिटी यूजुअली हाई होती है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट दो, एक्सेप्ट कौन कौन, मर्क्यूरी और गैलियम। ये मेलिएबल होते हैं, यानी कि आप इसको पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी पास कर सकते हैं अपने में से और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं। लेड जो है वो एक्सेप्शन है ऑफ हीट, लेड जो होता है ये क्या करता है, हीट को पास नहीं करता। इनका कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, जहाँ पे गेनिंग और शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो मेटल्स होती हैं वो हवा के साथ या पानी के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देंगी, ऑक्साइड या हाइड्रेट्स बना सकती हैं, हाइड्रेट्स आएगा यहाँ पे। और जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि इनकी जो पीएच आएगी वो किससे अबव आएगी, 7 से अबव आएगी। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और वायलेंटली रिएक्ट करते हैं जब इनको हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं। दैट इज़ वाई जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हमें केरोसिन ऑयल वगैरह में रखना पड़ता है क्योंकि एयर के अंदर एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं।
लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? एक तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तभी तो इनको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनको वेयर करा जा सकता है। और इवन ये फेड भी नहीं करते इजीली, टार्निश नहीं करते और शाइनी रहते हैं, लश्रस रहते हैं। लश्रस का मतलब ही क्या होता है? शाइनी। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस जब कोई मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बन जाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो जनरली आपको पीरियोडिक टेबल के राइट वाली साइड पे आपको नॉन मेटल्स मिलती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर जाती हैं एट रूम टेम्परेचर, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है इनका। ज़्यादातर जो होते हैं इनमें ब्रिटल होते हैं, यानी कि आप एकदम से तोड़ सकते हो बीच में से, जैसे बिस्किट होता है ना वैसे टूट जाती हैं ये। ना तो ये मेलिएबल होती है, ना तो आप इनकी शीट बना सकते हो। अब देखो ब्रिटल है कोई चीज़, बीच से एकदम से टूट जा रही है तो उसकी शीट आप कैसे ही बनाओगे? डक्टाइल यानी कि वायर में भी उसको कन्वर्ट नहीं आप कर पाते। ज़्यादातर जो अधातुएँ होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ये एयर के साथ नहीं रिएक्ट करते रूम टेम्परेचर पे। जो वाइट फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी तीन तरह का मिलेगा आपको, वाइट मिलता है, रेड मिलता है और ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। मैस्टिक का याद है ना, यहाँ पे जो आग लगती है जिस पॉइंट पे, ब्लैक वाला जो पार्ट होता है ब्राउनिश कलर का, दैट इज़ योर फॉस्फोरस। तो ये जो फॉस्फोरस होता है सिर्फ एक ऐसा ये नॉन मेटल है जो क्या करता है, हवा के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑक्साइड बाय बर्निंग। और जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर फॉर्म बाय नॉन मेटल्स, आर एसिडिक इन नेचर, जबकि जो ऑक्साइड मेटल्स ने बनाए थे वो बेसिक थे, और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स ने बनाए वो कैसे हैं, वो एसिडिक हैं। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर जो आपका क्लोरीन है ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। ठीक है, क्लोरीन को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, HCl आपने सुना हुआ है। तो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट हो गया, गैस, कार्बन्स, ये सारे क्या हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं बिकॉज दे एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट मोर विद द मेटल्स दैन द नॉन मेटल्स। ये देखो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं जबकि नॉन मेटल नहीं होते। मेटल को आप शीट और वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन मेटल को नहीं कर सकते। मेटल का हाई डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स के केस में लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। बाकी के जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स के केस में देखोगे तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सोनोरस है मेटल यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग है। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। मेटल आपके गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्शन एक ही पड़ी थी लेड वाली। और जो आपके ये नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन एक है, वो है डायमंड। डायमंड तो काफ़ी स्ट्रांग होता है ना, बट इट इज़ नॉन मेटल इन नेचर। और आपके ये जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, पर सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इवन छुरी जो होती है, नाइफ जो होती है, उससे आप इसको कट कर सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की ज़्यादा होती है इफ़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो ये बीच में लाए करेंगे। किसके बीच में? इधर मेटल्स थे आपके, यहाँ नॉन मेटल्स थे, यहाँ जैसे लाए करेंगे आपके मेटलॉइड्स। तो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में इसका ट्रांजिशन बन जाता है। ये जो एलिमेंट होते हैं ये मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनको सेमी मेटल्स भी बोल दिया जाता है। जैसे आपका बोरोन आ जाएगा एटॉमिक नंबर 5, सिलिकन आ जाएगा एटॉमिक नंबर 14, अर्सेनिक आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इन मेटलॉइड्स की? तो ये बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोमियम, ये जो होते हैं इनके पास प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह। मेटलॉइड जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रिटल होते हैं देन मेटल, लेस ब्रिटल होते हैं देन नॉन मेटल। ज़्यादा ब्रिटल होंगे क्योंकि मेटल तो हमने देखी थी हार्ड है, और जो आपकी नॉन मेटल थी वो क्या थी, ब्रिटल थी नेचर में। तो ये जो मेटलॉइड होते हैं ये बीच के होते हैं। बीच का मतलब है यहाँ पे कि कम ब्रिटल होंगे इफ़ कम्पेयर टू द मेटल्स, एंड नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम होंगे और मेटल से ज़्यादा ब्रिटल रहेंगे। मेटलॉइड जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। और ज़्यादातर जो मेटलॉइड्स होते हैं इनमें लश्रस प्रॉपर्टी होती है, शाइनी प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन जो है, हमने देखा कि यूनिवर्स का लगभग सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसका है, 73% देखा था हमने, वो हाइड्रोजन का ही है। तो जो केमिकली अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो ये गैस में भी लिक्विड एग्जिस्ट करती है, एंड लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ में भी एग्जिस्ट करती है। आइसोटोप देखे थे इसके हमने लास्ट लेक्चर में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब एटॉमिक नंबर तो एक ही रहेगा,
पर प्रोटोन और जो है प्रोटोन का नंबर तो एक ही रहेगा, वही तो डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर को, पर जब एटॉमिक मास की बात आएगी तो वो हो जाएगा प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले केस में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था तो मास नंबर भी 1 आ रहा था। दूसरा ड्यूटेरियम वाला केस देखते हैं, वहाँ पर एक ही प्रोटोन था एक ही न्यूट्रॉन था, दोनों ऐड करके 2 बना रहे थे तो मास नंबर 2 था। ट्रिटियम के केस में 1 + 2 = 3, तो 3 इसका मास नंबर आ जा रहा था। ठीक है, तो ये जो एल्कली मेटल्स होती हैं इनको क्यों एल्कली रखा, क्योंकि ये एल्कलीज बनाती हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इनका नाम क्या रख दिया गया था, एल्कलीज रख दिया गया था। एल्कलीज जो होती हैं ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स होती हैं, मतलब OH ग्रुप लगता चलेगा, और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो इट विल मेक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही जब पोटेशियम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा इट विल मेक KOH। ठीक है, तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जब भी मेटल किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। और जो एल्कली कंपाउंड्स हैं ये टाइप हैं किसके, बेसिस के, जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, वेयर एज जो बेस होता है इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड। इसके बाद यूजेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।